नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। भिवंडी के प्रसिद्ध एडवोकेट व समाज सेवक रवीश काशीनाथ सोनवणे राष्ट्रवादी में हुए शामिल। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दारकोंडे के आदेश अनुसार भिवंडी शहर जिला के कार्य अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ खान के नेतृत्व में महिला शहर अध्यक्ष स्वातिताई कामले व पक्ष के वरिष्ठ नेता जावेद फारूकी के हाथों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार विभाग का महासचिव पद पर नियुक्ति किए गए। इस अवसर पर सैयद मोहम्मद आसिफ गुलाम मुस्तफा को भी भिवंडी शहर जिला के पक्ष संगठक तथा अंसारी जमील हाफिज अब्दुल लतीफ को भी वार्ड क्रमांक 34 के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया। महिला शहर अध्यक्ष स्वाति कामले, वरिष्ठ नेता जावेद फारूकी, कार्य अध्यक्ष आसिफ खान, पक्ष प्रमुख प्रवक्ता आरिफ अलवी, समीर हनीफ, अरंगरेज अल्ताफ, बिलाल शेख, शाहिद शमशुद्दीन, वसीम मुद्दीन, मोइनुद्दीन खान, आमिर आसिफ खान, अंसारी सरवर, अनवर हक इत्यादि कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब और हमारे प्रांताध्यक्ष जयंत पाटिल साहब और जो असंगठित कामगार के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है माननीय राव साहब दारकोंडे साहब, इनके मार्गदर्शन में आज भिवंडी शहर में असंगठित कामगार जो है काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और ये जो विभाग है असंगठित कामगार राष्ट्रवादी का, ये काफ़ी मजबूत हो रहा है। भिवंडी में आप जानते हैं कि यहाँ पे असंगठित कामगारों की संख्या ज़्यादा हो, चाहे फिर वेट बिगार ये सॉरी चाहे फिर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन हो, लूम लाइन हो या अपना मोती कारखाने के हो, तो इनके लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं हैं और पार्टी को सरकार में होने की वजह से जो भी सुविधाएं हैं वो हम इनको देने का काम करेंगे। और मैं काफ़ी खुश हूँ, आज मैं महिला बॉडी शहर में मैनेज करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि असंगठित जो कामगार विभाग है उसमें काफ़ी मात्रा में जवान वकील है, एडवोकेट है, डॉक्टर्स है और जुड़ रहे और इससे कुछ अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। मैं इन सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोग तन मन धन लगा के काम कीजिए, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हूँ। ये राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की तरफ से मैं भिवंडी के जो भी असंगठित कामगार के जो भी लोग जॉइन है उनको सभी को मैं देखो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शहरवासियों को हमेशा एक मैसेज देता चला आया हूँ कि राष्ट्रवादी एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है और आज वाकई में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से लोग ये लॉकडाउन के दौरान में, महामारी के दौरान में भी लोग इच्छुक है पार्टी से जुड़ने के लिए, तो मैं आशा करता हूँ सारे भिवंडी वासियों से कि एक ऐसी पार्टी है जिसको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा शहर भी दूसरे शहरों की तरह हो जाएगा। जैसे कि देखा जाए पूना है, इधर उधर आप जाके चल के देखेंगे जहाँ हमारी सरकार रही है, जहाँ हम लोग MLA चुन के आए हैं, वहाँ उस शहर को देखो और हमारे भिवंडी शहर में जो आज पिछले इतने सालों से जो आमदार लोग हैं, मैं किसी का कुछ बोलूँगा नहीं लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर हमारे शहर में इस तरीके की MLA वगैरह चुन के आते हैं तो ये शहर विकास के रास्ते पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कहना चाहेंगे? हालांकि पार्टी से तो मैं बहुत, जैसे पार्टी का निर्माण हुआ जब से मेरे गांव से मैं जुड़ा हुआ और आज आदरणीय पवार साहब और दारकोंडे साहब के प्रेरणा से मैं उसमें मतलब सक्रिय होने की एक कोशिश करता हूं। अभी जो कोरोना का ये माहौल चल रहा है और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां कई सारी एकदम ठप पड़ी है और राष्ट्रवादी हमें दिख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही, आप सक्रियता दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से अब पार्टी में काम करेंगे आप? क्या अभी जैसे जो जो समस्या है, जैसे कोरोना की महामारी है और भिवंडी के असंगठित कामगार जो है कि जिनको जैसे कि कोई घर वाले काम करती है, काम वाली भाई हो, जैसे कोई भी बिल्डिंग में काम करते हैं वो लोग संगठित नहीं है, उनके लिए कुछ काम करना चाहता हूं मैं और मैं एज ए एडवोकेट होने के तरफ से उनकी जो भी कोई समस्या
कोई भी हो मेरे पास आए, मैं उनके लिए मुफ्त में काम करूंगा।